हर इंसान अपने जीवन में कुछ अलग और बड़ा करना चाहता है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी हो गई है सिर्फ आराम करने की। हर इंसान में काबिलियत होती है, लेकिन हम उस काबिलियत को पहचान नहीं पाते हैं या पहचानने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसमें कुछ न कुछ काबिलियत होती है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग अपनी ताकत को पहचान लेते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी किस्मत को दोषी मानकर रोते रहते हैं। दोस्तों, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। सक्सेस की भी एक सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। आपका आज मुश्किल है तो क्या हुआ, कल थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन मेरे दोस्त उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। विल्मा रुडोल्फ ने भी क्या खूब कहा, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, द पोटेंशियल फॉर ग्रेटनेस लाइज़ विद इन ईच ऑफ अस। दोस्तों, मेरी एक बात गांठ बांधकर याद रखना कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। आपने मन में जो सोच रखा है वही आपके साथ होता है, इसलिए आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उसको खत्म कर देना है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया ही आपकी पीठ पड़ती है। और दोस्तों, जिंदगी में दो चेहरे कभी नहीं भूलना, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में डालने वाला, और आपको अपने लक्ष्य से ही इन्हें जवाब देना है। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा। तो उठो, मेहनत करो, रोने से इस जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में उतना ही पाओगे। मगर भरोसा है खुद पर तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहो। और अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की इच्छा कभी मत करना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।